चार्ट रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कितना भी थ्योरी से कर लो या फिर उसके ऊपर मैं कितनी भी वीडियो बना दूं, आपको नहीं आने वाली समझ में जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बट प्रैक्टिस करने में एक दिक्कत है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो ध्यान में होना चाहिए ना, क्योंकि आपने मान लीजिए चार्ट खोल के बैठ गए आप और आपको पता ही नहीं है कि भैया चार्ट में देखना क्या है, तो प्रैक्टिस का क्या करोगे। तो इस वीडियो में हम वही पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए चार्ट खोलने के बाद में, यानी कि हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे, कुछ स्टेप्स के बारे में सीधा जेन्युइनली बात करेंगे। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे चार्ट रीडिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे लाइव मैंने जिसमें करके दिखाई है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लेना। बट आज की वीडियो में आपको अलग ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं जेन्युइन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नंबर वन पॉइंट, जो हमारा पहला पॉइंट है, वो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आपने इस डायलॉग को काफी लोगों के मुंह से सुना होगा, अलग अलग फील्ड में सुना होगा, बट मैं इसको शेयर मार्केट के फील्ड में मानता हूं। बिकॉज क्या है कि मार्केट में आप चार्ट देख रहे हो, तो चार्ट में आते ही आपको देखना क्या होता है, चार्ट में आप ये थोड़ी देखोगे डायरेक्ट कि आपने मान लीजिए आज का चार्ट देख लिया, आज 18 मार्च है, आपने आज का चार्ट देख लिया, तो आप डायरेक्ट बस 18 मार्च का चार्ट देखने के बाद में 19 मार्च को ट्रेड कैसे लेना है वो सारी चीज़ें ढूंढने लगोगे। आपको लगता है ये चीज़ होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। होता क्या है वो देखो, हम 18 मार्च को नहीं, हम 17 मार्च, 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च, यानी हम बैक पीछे देखते हैं, उसके बाद में हम एक आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। आप जब छोटे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आपने देखा होगा एक गेम आया करता था बुक्स में कि पहले ऐसे है, फिर माइनस है, फिर ओ है, फिर अब प्लस है, माइनस है, तो अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे डैश दे देते वो, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो हम ऐसे पीछे हिस्ट्री देख के बताते थे कि पहले प्लस फिर माइनस फिर जीरो आता था, फिर प्लस माइनस तो आ गया आप, लेकिन दोबारा जीरो आने की बारी आ गई। तो यानी कि आप समझ रहे हो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये हर फील्ड में काम आती है। बट डिफरेंस इतना होता है, कोई आपसे बताता नहीं है, आपको बोलता है ये ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, और फिर आपको अपना कोर्स बेच देगा और उसी कोर्स में ये सारे सीक्रेट्स आपको बता देगा। बट मैं तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ कि हमें बेसिकली हिस्ट्री देखनी होती है कि पीछे क्या हुआ है। तो नंबर वन पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि जैसे हम अपने चार्ट पे जाएंगे, हमें हिस्ट्री देखनी है, हमें फ्यूचर नहीं देखना, हम बस बैक टेस्टिंग करेंगे। अब बैक टेस्टिंग में क्या क्या करेंगे, वही चीज अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। यस, आप कोई चीज को एनालाइज कर रहे हो, चार्ट पे आप आ रहे हो, आप हिस्ट्री देख रहे हो, बट हिस्ट्री पास्ट फ्यूचर सब कुछ देखने के बाद में रिजल्ट क्या देखना है, रिजल्ट हमें देखना है टाइमिंग, कौन से टाइम पे क्या चीज हो रही है। कैसे बोले तो, अब जो टाइम है ये हमें चार्ट पे कौन बताता है, हमें बताता है कैंडल। अगर आपने मेरी कैंडल की बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि जो कैंडल है वो हमें टाइम बताती है कि 10:05 पे कौन सी कैंडल ने क्या किया था। आप जो कैंडल मान लीजिए 10:05 वाली कैंडल हमें बताएगी कि मैं यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे मेरा हाई था, यहाँ पे मेरा लो था। तो यानी कि हमें टाइम प्रेडिक्ट करना पड़ता है हिस्ट्री में जाके। अब वो जो टाइम पीरियड है उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो बात करो। सबसे पहले हम एक ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम उसका बिहेवियर देखेंगे। बिहेवियर यानी कि उस टाइम मार्केट में लालच था, उस टाइम मार्केट में फियर डर था, या फिर उस टाइम मार्केट में ट्रैपिंग थी। तीन तरीके के मूड होते हैं मार्केट में। या तो उस टाइम लालच, लालच बोले तो एक साइड मूव जा रहा था कि भैया फटाफट मूव जा रहा है, और अपना डर यानी कि कहीं पे मार्केट नहीं जा रही, बस मार्केट बीच में है और मार्केट एक रेंज में है। और तीसरी चीज़ आती है अपनी ट्रैपिंग। ट्रैपिंग यानी कि मार्केट मूव दिखा रही है ऊपर का, बट मूव आ गया नीचे का। और जो ट्रैपिंग है, मेरा चार्ट ट्रेडिंग का जरिया ही ट्रैपिंग है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप हो रहे हैं ना, वहीं पे पैसा बन के देता है आपको मार्केट में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो आपको टाइम पीरियड में देखना है, और टाइम पीरियड के हिसाब से आपको देखना है कि मार्केट ने उस टाइम क्या किया था। अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो मान लीजिए अभी मार्केट है 42,000 पे, बैंक निफ्टी अभी 42,000 पे है, तो आपको जस्ट पीछे आना है, हिस्ट्री में देखना है कि जब मार्केट 42,000 पे था तो मार्केट ने उस दिन क्या किया था। मान लीजिए आज मार्केट 42,000 पे है, आज 18 मार्च है, तो लास्ट बार जब 42,000 पे मार्केट था, मार्केट मान लीजिए लास्ट बार आया था जनवरी में आया था, मान लो 2 जनवरी को आया था, ठीक है, तो आपको 2 जनवरी में जाके देखना है कि उस दिन मार्केट का ट्रेंड कैसा था। क्या उस दिन मार्केट फियर में थी ना, ग्रीड में थी, या फिर ट्रैपिंग में थी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं और आप इस चैनल पे बने रहते हो तो आपको आगे आने वाली वीडियो में इनकी हेल्प काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। बट आप पहले उनको देखो कि हिस्ट्री में आपने क्या देखा, पहले आपने हिस्ट्री देखी, उसके बाद आपने टाइम पीरियड देखा, आज जहाँ पे मार्केट है
पहले मार्केट वहां पे क्या कर रही थी, तो आपने पहले तो फियर ग्रीड ट्रैपिंग ये चीज देखी। अब तीसरी चीज जो हमें चार्ट बताता है सेटअप, एंड ये काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखो मैं चार्ट देखता हूं, लोग हजार लोग चार्ट देखते हैं, बट हमारे अलग सेटअप होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जैसे 3 PM है, 3 PM के बाद में एक मूव आता है, तो जितना मैंने आपको बताया जो जितना कॉन्फिडेंस से मैं उसको ट्रेड लूंगा ना, उतना कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज वो मेरी चीज है। अगर इसमें मेरे को 10 बार लॉस हो जाता है ना लगातार, उसके बाद में मेरे को डाउट आएगा यार 3 PM तो कम काम कर रही है। बट आप क्या करोगे, अगर आपको एक बार में भी लॉस हो जाता है ना, पहला ही आपका लॉस हो जाता है या फिर आपको एक भी लॉस दिख जाता है ट्रेड में, तो आपके दिमाग में ऐसा हो जाएगा यार ये तो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, मैं आगे से इसको यूज नहीं करूंगा। आपने क्यों बोला ये बात? आपने इसलिए बात बोली क्योंकि आपका सेटअप नहीं है। तो मेरा थर्ड पॉइंट यही है, बिल्ड योर सेटअप यूजिंग चार्ट। यानी आप चार्ट को इस तरीके से देखो कि हमारे पास टाइम देखने के लिए चार्ट है, ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट है। अब इस चार्ट में से हम अपना सामान क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी का देखने का, हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ अलग होता है। तो आप आज ही अपने चार्ट पे जाओगे और अपना एक सेटअप फाइंड करोगे। आप सेटअप कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली सेटअप फाइंड करने के तीन तरीके होते हैं। नंबर वन आपका तरीका ये होता है कि आप बैक टेस्टिंग करो। आपने मान लीजिए एक कोई चार्ट पैटर्न देख लिया, आपने W देख लिया कि यार जब जब W बनता है ना उसके बाद में क्या होता है, क्या आपको यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए, यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए, फिर यहाँ से उसके बाद में एक रिवर्सल आता है, यानी आप W को फाइंड कर रहे हो, तो आप 3 से 5 महीने पीछे चले जाओ, क्योंकि हमारे पास डाटा पड़ा है। आप कितना खुश नसीब हो कि आपके पास डाटा तो है बैक टेस्टिंग करने के लिए। आप चार्ट पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चार्ट पे आओ, पीछे आओ और बैक टेस्टिंग करने लगो कि जहां जहां W बना है उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है, क्या इस W में लोगों ने यहां से लेकर यहां तक ज्यादा पैसा बनाया है, या फिर यहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग होती है जब मार्केट नीचे आता है तो इधर लोगों ने ज्यादा पैसा बनाया। आप अपना हिसाब निकालो। अब आपने बुक्स में यह पढ़ा है कि जो W पैटर्न होता है इसमें आपको यहां पे बाइंग करनी चाहिए, कोई कोई बोलता है आपको इस ब्रेकआउट पे बाइंग करनी चाहिए, बट उस पर बिलीव मत करो। आप अपना सेटअप निकालो और वो सेटअप निकालो कि यार यहां तक लोग पहुंच जाते हैं, बट इसके बाद में जब यहां पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहां पे इतना मूव आता है, इस मूव में ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये सब मेरा एग्जांपल था। ये मत सोच लगना ना कि अब बस W पैटर्न को फाइंड करें, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट अपना सेटअप बनाना जरूरी है। और अगर आप मुझे बोलो कि सर अपना सेटअप बताओ, आपके कुछ बैक टेस्टेड सेटअप है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अभी एक वेबिनार प्लान करूंगा और उस वेबिनार में हम इस सेटअप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर यूट्यूब में ऐसे में पब्लिक में तो नहीं बांटने वाला। हम कुछ प्राइवेट बंदों का वेबिनार रखेंगे एंड उसमें डिस्कस करेंगे कौन से वो सेटअप है जो मैंने बैक टेस्टिंग कर रखे हैं। सो आपको मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, एक तो हिस्ट्री वाला, एक टाइम पीरियड का कि जब वो चीज पहले हुई थी तो उस दिन मार्केट में क्या मूड था। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपको अपना जो सेटअप है वो खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। सो अपना 4th पॉइंट यहां पर है, बिकेम स्मार्ट एंड मैच्योर। अब स्मार्ट एंड मैच्योर का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं, एक चीज को एनालाइज करो, चार्ट तो पूरी दुनिया देख रही है लेकिन तो भी पूरी दुनिया का पैसा नहीं बना रही नहीं, तो वो क्या चीज है जो सबको अपने चार्ट को देखने में अलग हो रहा है? वो ये चीज है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड मैच्योर होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा अभी हम एग्जांपल समझेंगे, बट उससे पहले कंसेप्ट समझो कि ट्रेडिंग में पैसा कोई कमा रहा है तो वो किस लिए कमा रहा है, क्योंकि कोई पैसा यहाँ पे हार रहा है, यानी कि एक की जेब से दूसरे की जेब में तो पैसा भैया यहाँ पे आता है। और अगर मान लीजिए कोई सी साइड सी बाय करके पैसा बना रहा है तो उसका पैसा किसकी जेब से आ रहा है, जिस बेचारे ने पी बाय करा था बट मार्केट उसके फेवर में नहीं गई, तो इसने लॉस किया, इसने प्रॉफिट किया। तो आप समझो कि एक की जेब से दूसरे की जेब में पैसा जा रहा है, और पी वाला बंदा भी भैया चार्ट देख रहा था, सी वाला बंदा भी चार्ट देख रहा था, बट क्या चीज अलग थी उधर, अब वो देखते हैं। तो देखो अगर आप बुकिश नॉलेज पे जाते हो, या फिर आप बिल्कुल एकदम ऐसे जाते हो कि यार सपोर्ट का मतलब तो होता है सी लेना और अपना रेजिस्टेंस का मतलब होता है पी लेना, यानी कि आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो, आप जस्ट नॉर्मल काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डिफरेंट तो हो ही नहीं सकते ना। क्योंकि अगर आप वो काम कर रहे हो जो 90% लोग काम कर रहे हैं, तो आप वही करोगे जो 90% लोग कर रहे हैं, यानी कि लोग पैसा हार रहे हैं, पैसा तो ओनली 10% लोग बना रहे हैं, तो वो 10% लोग क्या करते हैं यहाँ से डिफरेंट सोचते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आया, वरना आपको लगता है यार ये क्या बता दिया। अब पॉइंट पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। हमें क्या करना है, एग्जांपल समझाऊंगा। मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस था यहाँ पर, प्राइस इधर से टकरा के नीचे आता है,
ये एक लेवल हो गया, फिर ये प्राइस दोबारा ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, ये भी एक लेवल हो गया। और जो लेवल, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें तो आपको आती होगी, बेसिक्स का मैंने कवर करवा रखा है, इसके लिए आप मेरी काफी ज्यादा वीडियोस में देख सकते हो। सो ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, अब प्राइस यहां पर है। अब ये यहां पर गया तो एक बात बताओ, यहां पर लोगों ने पी बाय करा, यहाँ पे लोगों ने पी बाय करा। अब अगर लोग यहाँ पे पी बाय करेंगे, नहीं करेंगे, मैंने बताया ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो यहाँ पे लोग अपना पी तो बाय कर लेंगे बट यहाँ पे पैसा सारे नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि मूव ही नहीं आने वाला। क्योंकि अगर 90% लोगों को लग जाए पता कि भैया पी लेना है, तो अगर वो पैसा बनाएंगे तो उनको लॉस कौन देगा? यानी मेरी बात समझो बिल्कुल अच्छे से, अगर 90% लोग सही हो जाते हैं, 90% लोग सही हो जाते हैं तो ये भैया प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, यानी कि इनको पैसा देना पड़ेगा। अब इनको पैसा देगा कौन? इनके अपोजिट वाले पैसा देंगे, यानी कि अगर इनको लगता है कि भैया मार्केट पी साइड जाएगी 90% लोगों को, तो इनके पास जो पैसा आएगा वो आएगा सी साइड वालों का, जिन्होंने सी बाय कर रखा है। तो अब अगर सारे लोगों को लगने लग जाएगा भैया पी है तो इनको पैसा देगा कौन? तो मार्केट तो चलेगी नहीं ना। मार्केट जब चलती है जब यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, जब लोगों का लॉस होता है। अब अगर यहाँ पे लोगों को लग रहा है भैया पी, तो अब क्या मार्केट में पी वाला मूव आने वाला? द आंसर इज नो। मूव कहाँ का आएगा? सी साइड का आएगा, बिकॉज यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे बैठे हैं और 10% लोग हैं जो सी साइड बैठे हैं, तो मूव आने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे मूव आया तो इन 10% के पास किसका पैसा आ गया? 90% वालों का पैसा आ गया, क्योंकि जो इनका स्टॉप लॉस था, इनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? किसी का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा। तो ये जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ना, ये किसकी जेब में गए हैं? सी साइड वालों का। आपको अभी नया लग रहा होगा बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वाले जो लास्ट वाला मैंने फोर्थ पॉइंट बताया, इसको दोबारा देखो या फिर पूरी वीडियो को दोबारा देखो, आपको मजा आएगा। कि देखो मार्केट में अगर मूव आता है, मार्केट में मूव आता है तो उसके लिए मार्केट में पैसा भी आना चाहिए। पैसा कहां पर है मार्केट में? 90% वालों के पास पैसा है। अब अगर 90% वही काम करेंगे तो भैया मूव वहां का आएगा नहीं, क्योंकि अगर वो पैसा जीत जाते हैं तो उनको 10% लोग पैसा देंगे। तो आप मेरी बात समझो कि जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस अब दोबारा यहां पे चला गया, तो अगर प्राइस इधर नीचे आ जाएगा तो 90% लोग हैं वो पैसा बना लेंगे। अब इन 90% लोग को पैसा देगा कौन? जो 10% है। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब समझो कि जहाँ पे भी 90% लोगों को लगेगा ना कि यहाँ पे मूव आने वाला है, वहाँ पे मूव आएगा ही नहीं। मूव कहाँ पे आएगा? जहाँ पे उन 90% लोगों ने ट्रेड लिया है, उसके बाद में जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उधर का मूव आएगा। तो मेरा जो समझाने का तरीका था, जो भी इसका तात्पर्य है, जो भी इसका कंक्लूजन है, वो मैंने एक लाइन पे आपको समझा दिया कि 90% लोगों को जो लग रहा है वैसा मार्केट में नहीं होता। 90% लोगों के जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जहाँ पे वो अपना पैसा हारेंगे, वहाँ का मूव आता है। ये जो चीज़ है मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दी, और अगर आपको इस चीज़ समझ में आ जाती है तो आप आज नहीं तो कल आप इस वीडियो के नीचे आकर धन्यवाद बोलोगे। एंड जो चार पॉइंट्स अभी मैंने आपको समझाए हैं ना चार्ट रीडिंग के लिए, और जब आप अपनी चार्ट रीडिंग करोगे उसमें चार पॉइंट्स अपने दिमाग में रख के चार्ट को देखोगे, आपका ट्रेड ढूंढने का तरीका, आपको मार्केट का देखने का नजरिया, सारी चीज बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। ये ना ही मेरे को किसी ने समझाया, ना ही मेरे को किसी ने हाथ पकड़ के समझाया, ना ही मेरे कोई गोलियां खिलाई थी, सिंपल मैंने एक्सपीरियंस करा है, मेरे अपना टाइम स्पेंड करा है, मैंने अपनी जर्नल में लिखे हैं पॉइंट्स, एंड उसके बाद मैंने अपने कुछ वेरीफाइड सेटअप्स, कुछ वेरीफाइड लाइंस, कुछ वेरीफाइड रूल्स वगैरह अपने बनाए, एंड वही मेरे को पैसा बना कर देता है। तो जो मैंने लाइन आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको चार्ट एक ट्रेड फाइंड करने के लिए नहीं देखना, आपको चार्ट एक सेटअप फाइंड के लिए देखना है। आप चार्ट को इस तरीके से देखो कि यार ये चार्ट मैं एनालिसिस कर रहा हूं और मेरे को यहां से अपना एक बेस्ट सेटअप ढूंढना है, ना कि एक बेस्ट ट्रेड। ट्रेड तो आप रोज ढूंढ लोगे अगर आपने एक अच्छा सेटअप ढूंढ लिया। और अगर आप चाहते हो मैं अपने सेटअप शेयर करूं, या फिर आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो, और डिस्कशन तो आप सभी जानते हो वेबिनार में हो सकता है। सो अगर आप चाहते हो हम वेबिनार कर लेंगे इस मंथ के एंड में, बट उसके लिए मैं चाहता हूं आप लोग पहले बेसिक्स कवर करो। सो जितनी मेरी वीडियोस आ रही है रेगुलर, वो वीडियोस वॉच करा करो, उससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर जो हम वेबिनार करेंगे उसमें हम अच्छे से सेटअप की बातें कर लेंगे। सो पैसा बनाने फोकस मत करो, सीखने पे फोकस करो, पैसा ऑलरेडी बनेगा मार्केट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप होप आपको जो ये चार पॉइंट्स थे ये अलग लगे होंगे, नए लगे होंगे, एंड ये आपकी लाइफ में अगर वैल्यू एड करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और एक पॉजिटिव कमेंट भी कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। एंड जो ये एफर्ट्स है, फुल गर्मी हो रखी है यहाँ पे, मेरा एसी अभी सर्विस करवाने जा रखा है, सो बहुत ज़्यादा लफड़े हैं, तो स्टिल भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई उसके ऊपर भी वीडियो बना देगा। एंड उसी के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं
चार्ट ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छे अच्छे लेवल्स आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ, जैसे लेवल्स दे देता हूँ, चार्ट पैटर्न्स पोस्ट कर देता हूँ, जो भी मेरे को लाइव मार्केट में लग रहा है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं कोई कॉल एंड टिप प्रोवाइड नहीं करता, तो अगर आपको लगता है कुछ कॉल देगा मैं ज्वाइन हो जाता हूँ तो मत हो ज्वाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना टेलीग्राम ज्वाइन आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।